नेक्स्ट देखते हैं बुवाई की विधि, सोइंग मेथड। जो बुवाई का विधि होता है मोस्टली दो तरीके से होता है, एक तो आपका ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा होता है आपका लाइन सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है छिटकव विधि और लाइन सोइंग का मतलब होता है कतार में बोना। तो यदि हम लोग छिटकव विधि से फसलों की बुवाई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा अधिक लगेगा, पौधे अधिक संख्या में रहेगा, तो उसमें आपका खरपतवार अधिक होने की चांसेस जो है बढ़ जाता है। हमको उपयोग में लाना है आपका लाइन सोइंग, सीड ड्रिल वगैरह से हम लोगों को क्या करना है, बुआई जो है करना है। और आप लोग ध्यान दोगे, जैसे आजकल जैसे हम लोग खरीफ वगैरह में धान भी लगाते हैं, तो धान को भी हम लोग सीड ड्रिल वगैरह से कुंडी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। या उसको हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका खरीफ के बाद हो गया आपका रबी में, जैसे हमको चना लगाना है, मटर लगाना है, तो यदि उस कंडीशन में आप लोग खेत का जुताई कर रहे हो तो उस खेत का जुताई आप लोगों को कैसे करना है, रफली खुरदुरा जुताई करना है, ताकि खुरदुरा के कारण जो है खरपतवार अच्छा से नहीं उग पाता। यदि गर्मी के दिन में आप लोग लगाओगे तो गर्मी के दिन में आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को ऐसे मेड़ बना करके, नाली खींच करके आप लोग क्या करोगे, फसल को जो है लगाओगे, ताकि हम गर्मी के दिन में सिंचाई करते हैं तो इस तरह पानी रहेगा और नाली के माध्यम से आपका बढ़ जाए। जब फसल पूरी तरीके से वृद्धि विकास हो जाए तब हमको खेत भर पूरा का पूरा पानी जो है बिखेर देना चाहिए। पूरा आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी आपका फ्लडिंग मेथड से मतलब बाढ़ विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई जो है कर सकते हैं बहाव पद्धति से। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कुछ हद तक खरपतवार का नियंत्रण जो है कर सकते हो।